subscribe to Mann Ki Sadhana and hit the bell icon for more updates. हेलो फ्रेंड्स, मन की साधना चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैंने ये गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाई हैं और ये मैंने सोयाबीन से मिल्क निकाला था, उसका जो पल्प बचता है उसको मिक्स करके आटे में और मसाले मिक्स करके बनाई हैं। आप इसको घर में ज़रूर बनाइएगा। आइए अब शुरू करते हैं ये आलू की सब्जी और ये पूड़ियाँ बनाना। फ्रेंड्स, ये सोयाबीन का पल्प है, मैंने आज उसका मिल्क बनाया था, उसमें से बाद में ये जो बचता है इसको गूदा कह लीजिए या पल्प है, इसको मैं आज मिला के आटे में और पूड़ियाँ बनाऊंगी। फ्रेंड्स, ये मैंने 2.5 कटोरी बड़ी वाली करी आटा ले लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा मोमन डालूंगी, करीब 2 स्पून, और इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूंगी और 1 टीस्पून मिर्ची डालूंगी और थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा जीरा और साथ में धनिया और ये 1 टीस्पून नमक। फ्रेंड्स, इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। ये देखिए, मैंने अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ये पल्प भी डाल दूंगी। अब मैं इसमें पानी डाल के इसको गूंथ लूंगी और थोड़ा थोड़ा पानी करके, हमें पूड़ी वाला डो लगाना है इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको मिक्स करते जाना है और डो बनाते जाना है। ये देखिए, मेरा आटा लग चुका है, बिल्कुल पूड़ी वाला मैंने आटा लगाया है क्योंकि मुझे पूड़ियाँ ही बनानी है इसलिए। फ्रेंड्स, पूड़ी के साथ मुझे आलू की सब्जी भी बनानी है, वो भी हलवाई वाली लोहे की कढ़ाई में। तो इसके लिए मैंने 6 आलू लिए हैं और ये 4 टमाटर लिए हैं, 3 हरी मिर्ची लिए हैं और 2 आधा आधा इंच के अदरक के टुकड़े लिए हैं। अब मैं इन टमाटरों को इसमें काट लूंगी। फ्रेंड्स, ये मैंने टमाटर और हरी मिर्ची अदरक इसमें काट के डाल दिए, अब इनको मैं पीसूंगी। पर ये थोड़े से मैंने टमाटर और अदरक हरी मिर्ची अलग से काट रखे हैं, इनको मैं अब सब्जी बनाऊंगी उसके बाद में डालूंगी। फ्रेंड्स, मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है लोहे की। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल रही हूँ। अब इसको हम पकने देते हैं, फिर बाद में मसाले डालते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ये ऑयल गर्म हो चुका है और अब इसमें मैं सबसे पहले हींग डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया और लाल मिर्ची और हल्दी, और साथ में ये टमाटर डाल देंगे। फ्रेंड्स, इसको मेरे को केवल 2-3 मिनट के लिए भूनना है, फिर उसके बाद में मैं और सामान डालूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, ये मैं सब्जी लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ क्योंकि मुझे हलवाई वाली सब्जी चाहिए। अगर आप चाहें तो और किसी कढ़ाई में भी बना सकते हैं। और ये मसाला मेरा भुन चुका है, अब मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ क्योंकि हलवाई वाली सब्जी में गरम मसाला सबसे ज़्यादा मस्त है, उसकी खुशबू आनी चाहिए। ये मैंने गरम मसाला डाल दिया है और ये जो मैंने 3-4 टुकड़े उसके हरी मिर्च के काटे थे वो भी मैंने डाल दिए हैं। ये अदरक भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। अब मैं इसमें आलू डालूंगी। Thank you.
ये मैंने ऐसे सबको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। पानी में अभी और डालूंगी। ये सब्जी थोड़ी लिपटैमा बनती है इसलिए मैं इसे ज़्यादा धूल नहीं करूंगी और इसको कम से कम 15-18 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी जिससे कि ये बॉईल होगी। तब इसको फिर दोबारा देखते हैं कि अभी इसमें ये नमक भी डालना है। मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। फ्रेंड्स, इसमें मैंने 3 कप पानी डाल दिया है। अब इसको हम ढक के रख देंगे और बॉईल होने देंगे। इसको फिर 10-15 मिनट के बाद खोल के देखेंगे ये सब्जी हमारी बनी कि नहीं। फ्रेंड्स, 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम सब्जी को देखते हैं। ये देखिए क्या मस्त सब्जी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें गरम मसाले की और हींग की। अब फ्रेंड्स, इसमें हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। ये देखिए, अब हम पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने गैस ऑन कर दिया और कढ़ाई रख दी है। अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, रिफाइंड है ये, आप जो भी खाते हो वो डालिएगा। ये देखिए, अब इसको हम गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, अब आटे को देख लेते हैं। ये आटा भी हमारा बहुत अच्छा हो गया है, मैंने इसको करीब 20-25 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब हम ऑयल गर्म हो रहा है, अब इसकी थोड़ी सी आटा लेके और लोइयां तोड़ लेते हैं। आपको जो साइज रखना हो वो रखिएगा, मैं अपने साइज से बना रही हूँ। अब इनकी लोइयां बना लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने ये लोइयां तोड़ ली हैं, अब मैं इनको बेलना स्टार्ट करूंगी। थोड़ा सा ऑयल इनके ऊपर लगा लूंगी, उसके बाद में बेलना स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं पूड़ियाँ बेल रही हूँ, आप अपने हिसाब से पूड़ियों का साइज रखिएगा। मेरे हिसाब से इतना साइज सही है। अब देखते हैं हमारा ऑयल गर्म हो गया कि नहीं। देखिए, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम पूड़ियाँ डालते हैं। मैं और भी पूड़ियाँ डाल रही हूँ इसमें। फ्रेंड्स, ये मैंने सब्जी बाउल में डाल ली है। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ना ये दही भी डाल के खाते हैं सब्जी में। अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो आप भी डाल लीजिएगा। हमारे यहाँ सब लोग इससे ही पसंद करते हैं, दही से। और ऊपर से हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे डेकोरेट करने के लिए। और ये 2-3-4 टमाटर। फ्रेंड्स, ये गर्मा गर्म मेरी पूड़ियाँ और सब्जी तैयार है। ये सब्जी हलवाई वाली है, गरम मसाले की लोही की कढ़ाई में बड़े अच्छे से बनाई है। फ्रेंड, इसको आप घर में बनाइएगा और इसका टेस्ट लीजिएगा, तब मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। और फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत क्रिस्पी हैं पूड़ियाँ, बहुत अच्छी हैं। और आप बनाइए ज़रूर और खाइएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।
फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे।